नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र के उमा गांव पहुंचे। वहां पर उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने जिस तरह से गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित रखा, क्या वो माफी मांगेंगी। यह कांग्रेस के शासनकाल के दौरान था जब ग्रामीणों की भूमि को स्मारक बनाकर छीन लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर 281 लोगों को जमीन के दस्तावेज सौंप दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 17 जुलाई को यहां पर एक भयानक घटना घटी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। मैं यहां आया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। ग्रामीणों को भरोसा दिया गया कि मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 1952 से 1955 तक कांग्रेस ने आपको अपना अधिकार नहीं दिया, लेकिन आज हमने दिया। सीएम योगी ने कहा कि सोनभद्र का विकास इसलिए नहीं हो सका क्योंकि पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नरसंहार में शामिल आरोपी जेल में है, जो भी जिम्मेदार होगा सभी के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि यहां पर पुलिस चौकी और स्कूल का निर्माण होगा। 340 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है। हमने शोक संतप्त परिवारों को 18.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। हम इस गांव का 100% विद्युतीकरण करेंगे और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र जाकर गोली कांड पीड़ितों से मुलाकात की थी। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे का चेक भी बांटे थे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाली मुआवजा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 18.5 लाख रुपए कर दी थी। साथ ही प्रत्येक घायलों को 2.5 लाख रुपए की राहत देने का ऐलान किया था। बता दें कि 17 जुलाई को सोनभद्र के उमा गांव में ट्रैक्टर ट्रोलियों पर सवार होकर सैकड़ों लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे और विरोध करने पर 10 लोगों को मार डाला था। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि गरीब आदिवासियों के साथ अन्याय वास्तव में उनके शासन में शुरू हुआ था। जब मैं पिछली बार यहां पर आया था तब भी मैंने इस बात को कहा था, सोनभद्र जिला हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां पर बिजली हमारी लाइन जाएगी बिजली देंगे, जहां बिजली की लाइन नहीं जा पाएगी वहां पर सोलर पैनल लगेंगे कि आखिर इन गरीबों को इस जमीन का पट्टा क्यों नहीं मिल पाया। इनकी जमीन जिसको 1952 तक ये जनता इनका हक था। JBD बैंकवेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।